अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर के साथ दी अरब इन्फो चैनल में आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। फाइनल एग्जिट के लिए अकामा में कम से कम कितनी मुद्दत होनी चाहिए, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाजे हैं। गैर मुल्कियों के लिए रहाइश कार्ड अकामा और एग्जिटरी एंट्री खुरुजोदा या फाइनल एग्जिटरी एंट्री जिसे कि अरबी में खुरुज नहाई कहा जाता है का जिम्मेदार इदारा जवाजात ही होता है। जवाजात के कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई की कोई फीस नहीं होती है, जबकि एग्जिटरी एंट्री की फीस मुकर्रर है जो कि महाना हिसाब से वसूल की जाती है। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक जिस वक्त फाइनल एग्जिट लगाने की कार्रवाई की जाती है, इस वक्त लाजमी है कि अकामा एक्सपायर ना हो। एक्सपायर अकामे पर फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। अगर अकामा एक्सपायर है और खुरूज नहाई दरकार हो तो इस सूरत में पहले अकामा तजदीद कराया जाए, जिसके बाद इस सहूलत को फ्राहम किया जा सकता है, और 3 माह के लिए भी अकामा तजदीद कराया जा सकता है। इस सहूलत से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। मुकर्रा कौंसिल से जारी होने वाली टेस्ट की कामयाबी के बाद ही कारकुन का वर्क परमिट जारी किया जाता है, जिसके बाद ही अकामे की तजदीद या अजला की कार्रवाई शुरू की जाती है। जहाँ तक नए वीज़े और दूसरे पेशे पर आने का सवाल है तो कानूनी तौर पर इसमें कोई मामनत नहीं की जाती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी शेयर करना चाहूँगी कि हरूब की मौजूदगी में ना तो अकामा तजदीर किया जा सकता है और ना ही खुरूज नहाई लगाया जा सकता है जब तक हरूब को कैंसिल ना कराया जाए। इस वक्त तक जवाजात के मरकजी सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल सीज कर दी जाती है। हरूब कैंसिल कराने के बाद ही फाइल को ओपन किया जाता है। वाज़े रहे कि किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हरूब अकामा एक्सपायर होने की सूरत में भी नहीं लगाया जा सकता। हरूब लगाने के 15 दिन के अंदर अंदर स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम पोर्टल से हरूब को बआसानी कैंसिल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।